दोस्तों, हम सभी बहुत ताकतवर वक्ता बनना चाहते हैं। लोग हमें सुने, हमारी बात को समझें और जो हम कहना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे। इंटरव्यू में सफलता के लिए एक अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कैसे बना जाए और अच्छे वक्ता के गोल्डन रूल क्या होते हैं, आइए मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बताए गए मेथड्स को फॉलो करें। दोस्तों, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है किसी भी अच्छे वक्ता की सबसे पहली पहचान होती है आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को पाने के लिए सबसे पहले आत्मानुभूति होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आप महसूस करिए कि आप एक अच्छी तरह से बोल सकते हैं। मैंने ये प्रयोग अपने उन स्टूडेंट पे किया जिनको सही से बोलना नहीं आता था या बोलते समय वो फंबल करते थे, हकलाते थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना से उन्होंने पूरी क्लास के सामने बोलना शुरू किया। बड़े आश्चर्यजनक नतीजे निकल कर आए। आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, थोड़ा अपने शरीर और अपने कपड़ों पर ध्यान दें। आप अगर युवा हैं तो आप कोशिश करिए थोड़ी एक्सरसाइज करें। कई बार ये देखा जा सकता है कि जो ढुलमुल शरीर होता है या इस तरह के कपड़े लेजी लिए जाते हैं, इस तरह के कपड़े जो ढीले होते हैं या बॉडी पे फिट नहीं होते हैं, वो लोगों के आत्मसम्मान को कम करने का तरीका होते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को देखेंगे या वो जो अच्छी तरह से बोलता है, आपने देखा होगा उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, कपड़े वो अच्छी तरीके से पहनता है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़ों में ही अच्छे दिखों। साथ ही साथ वो अपने शरीर का भी ध्यान रखता है। थोड़ी एक्सरसाइज करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई चला जाता है। तो वक्ता बनने के लिए पहला जो कॉन्फिडेंस, ये होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या संप्रेषित करने जा रहे हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए जो सबसे पहला बेसिक मेथड होता है, फ्लैश कार्ड बनाना। अगर आप किसी मंच पर बोलने जा रहे हैं, किसी सभा में बोलने जा रहे हैं और शुरुआती दौर में आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड एक छोटे छोटे ताश के पत्तों की तरह कार्ड होते हैं, जिस पर आप जो बातचीत करने का मुख्य बिंदु होगा, जहाँ पर आप पॉज ले रहे हैं, उसके बारे में आप बताना शुरू करिए। उस पर आप उसको लिख लेंगे। जब आप बोलते जाएंगे तो एक हल्की सी नज़र डालकर आपका जो अगला सेंटेंस होगा उसको इसके माध्यम से आप संप्रेषित कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हो गया फ्लैश मेथड, फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मेथड होता है, और वो होता है कम्युनिकेशन में भाषा और शब्द का इस्तेमाल। जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके बारे में, उसके मतलब के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथा होता है कि बातचीत करते समय कई बार हमें आलंबन यानी सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे बातचीत करते समय हाथों का मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम जब बातचीत करते हैं तो अपने आप को स्टैटिक रख लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपका प्रशिक्षण अच्छा नहीं है तो आप अपनी बात को कह नहीं पाते हो। तो बातचीत करने के दौरान आपका बॉडी मूवमेंट और हाथों का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इंटरव्यू में आप बॉडी मूवमेंट कम से कम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमें कई तरह से बातचीत करनी पड़ती है आम लोगों के बीच में, सभाओं में, किसी मंच पर, तो वहाँ पर इस तरह के मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वो होता है बातचीत में रस का प्रवेश। कई लोग बहुत ही रसीले तरीके से बातचीत करते हैं, भाषा में एक अच्छा इनपुट लेकर आते हैं, वो आपको लेकर आना है। जैसे कई लोग शायरी का इस्तेमाल करते हैं, कविताओं का इस्तेमाल करते हैं, चुटकुलों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, और वो अपने श्रोताओं को बांध कर रखने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये इस तरह आप प्रयोग करके इन चीज़ों का आप अपनी बातचीत करने की परंपरा को बहुत ताकतवर बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बना सकते हो, क्योंकि अच्छा वक्ता वही होता है जिसका श्रोता लंबे समय तक उसकी बात सुनने को तैयार रहे। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, जो और बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो टू द पॉइंट संप्रेषण करना और आई मूवमेंट्स को बनाकर रखना। बातचीत का जो गोल्डन रूल होता है वो ये होता है कि आप सामने वाले से आंख मिलाकर बातचीत कर सको और ये समझ सको कि वो क्या चाहता है। कई बार अगर हमारे अंदर हीन भावना होती है या थोड़ा संकोची होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं। अगर सामने आप भीड़ को संबोधित कर रहे हो तो आप लोगों से आंख मत मिलाइए, क्योंकि इतने लोग जब सामने होते तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम कर देते हैं। उसमें जो पीछे की तरफ का व्यक्ति है उसके सर की तरफ ध्यान दीजिए, उसके आई कॉन्टेक्ट से बचिए, तो उसको ये महसूस होगा कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, और आई कॉन्टेक्ट से जो आपको एक हिचकिचाहट हो रही उससे आप बच जाएंगे, और उसके बालों या उसके माथे तक आप अपनी नज़र रखेंगे तो आप अपनी बात को कह पाएंगे। इसी तरह कॉन्टेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आँखें झुका कर बात कर रहे हो या अवॉइड करके बात कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही विफल वक्ता कहा जाएगा। तो
तो उम्मीद है दोस्तों इस गोल्डन रूल को फॉलो करके आप प्रैक्टिस में लेकर आप एक अच्छे वक्ता बन सकोगे, चाहे वो खुले मंच पर बात करनी हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में बातचीत करनी हो। अगर आप एक अच्छा वक्ता हैं तो आपका बहुत सम्मान होगा, बहुत आपको जो इज्जत दी जाएगी और आप जहां पहुंचना चाहते हो, ये जो संप्रेषण की शक्ति है, बातचीत करने की पावर है, आपको आपकी मनमाफिक जगह पर पहुंचाने में आपकी बहुत मददगार होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाएं, उनका समाधान आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।